हेलो दोस्तों, लोकल इन्फो बाई TS में मैं टीपू सुल्तान आप लोगों का नए वीडियो में नए अपडेट के साथ स्वागत करता हूं। आज का जो अपडेट है वो है बक्सर पटना या पटना बक्सर फोर लेन के न्यू भोजपुर पुल के आगे से लेकर के आपको मैं रोड दिखाऊंगा कि कहां तक रोड बना हुआ है, किस तरीके से, क्योंकि कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि ये रोड का वर्क बाकी है। हाँ, बाकी है आपका, भोजपुर में थोड़ा सा वर्क पुल का बाकी है। बाकी रोड जैसे आप देख रहे हैं फोर लेन कम्प्लीट है, उसी तरीके से आपको 80% जगहों पे फोर लेन कंप्लीट होगा। कहीं टू लेन का वर्क चला, जैसे कि ये साइड आप पुल पुलिया का देख रहे हैं, तो ये 20-30 मीटर का ही वर्क चल रहा है। ऐसा नहीं है कि ये पूरा आपका 1 किलोमीटर तक, ऐसा नहीं है, सिर्फ आपको 1 किलोमीटर का अंतर रहेगा जो कि भोजपुर पुल का है। मैं उसका वीडियो आपको अलग पर्सनल बना के दिया हूँ। इसी तरीके से जहाँ जहाँ वर्क बाकी है मैं वहाँ वहाँ का अलग पर्सनल वीडियो दिया हूँ। आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाएं और इस तरह का वीडियो देखें। देखिए कैसे रोड एकदम शानदार बनी हुई है, रोड एकदम चकाचक है। एक तरीके से ये समझिए कि ये एक्सप्रेसवे टाइप है, जैसा कि मैं देखा हूँ इस रोड को। मतलब टर्निंग कहीं से नहीं है, लेफ्ट या राइट कहीं के बीच पे, वो भी पब्लिक जो लोकल रहते हैं उन्होंने अपने स्तर से बना दिया है, ऐसे सरकारी के हिसाब से कहीं बहुत दूर दूर पे है पुल से लेफ्ट या राइट। देखिए यहाँ पे जो है कि आपको सारा रोड का मार्किंग मिल रहा है, लाइट मिल रहा है, हर चीज़ कम्प्लीट है। तो चलिए आगे तक बने रहिए, लास्ट तक मैं आपको रघुनाथपुर स्टेशन जो है रेलवे स्टेशन उससे थोड़ा सा पहले तक ले चलूँगा। और ये रोड हर स्टेशन के 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। तो चलिए मैं आपको एकदम ले चलता हूँ। देखिए एक सीधे से जैसे कि मार्किंग हुआ है, रोड एकदम बना हुआ है और बहुत शानदार रोड बना हुआ है। ये नहीं कि मतलब इसमें, और ये पूरा रोड ही जो है कि आपका ढलैया का है और ये रोड लगभग 90% कम्प्लीट हो चुका है। आपका सिर्फ एक जगह रानी सागर एक जगह है जो कि बनाही स्टेशन, बिहिया और बनाही स्टेशन के थोड़ा सा पहले है, या फिर बनाही स्टेशन कह लीजिए, वहाँ का काम थोड़ा सा बाकी है। इसी तरीके से जहाँ जहाँ पुल पुलिया बन रहा है वहाँ वहाँ का वर्क बाकी है। और मैं आपको बता दूँ कि मेरा एक चैनल और है जो कि अपना बिजनेस ब्लॉग नाम से, जिसपे मैं बकरी का मार्केट और बकरी से रिलेटेड जानकारी देता हूँ। अगर जो लोग इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग उस चैनल पर जाके हमें सपोर्ट करें और हमें बढ़ावा दें, ताकि मैं फ्यूचर में आपको पूरा इंडिया का मार्केट कवर कर सकूँ। जो लोग इंटरेस्टेड हैं मैं उनको बोल रहा हूँ, वो लोग आए, और जो लोग हमारे फॉलोवर हैं मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, उसमें भी हम लोग हमें सपोर्ट करें कि मैं फ्यूचर में जहाँ जहाँ जाऊँ तो एक साथ दोनों वीडियो बनाऊँ। तो चलिए लास्ट तक बने रहिए, जैसा कि आप इस वर्क को और रोड को देख रहे हैं। देखिए एक सिद्ध से आपको ये वीडियो फास्ट करके आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा थोड़ा दिक्कत है, इसीलिए देखिए यहाँ पर भी पुल पुलिया का थोड़ा सा काम कम्प्लीट है। ऐसे तो टू लेन इस साइड कंप्लीट है और उस साइड का काम बाकी है, जो कि आप देख रहे हैं। देखिए यहाँ पर पुल का वर्क कंप्लीट है, सिर्फ मार्किंग का काम बाकी है। यही जो अगर कोई गलती से ऊपर आ गया तो नीचे से लेफ्ट या राइट टर्न ले सकते हैं, ऊपर आप बीच में कहीं पे टर्न नहीं ले सकते। यहाँ पर भी लाइटिंग काम बाकी है। और उसी तरीके से आपको भोजपुर, न्यू भोजपुर, जहाँ जहाँ बड़ा बड़ा शहर वहाँ वहाँ से अंडर पास, ये बाईपास बनाया गया है, जो कि मैं पर्सनल हर जगह का वीडियो दे चुका हूँ, जैसे कि भोजपुर हो गया, न्यू भोजपुर हो गया, इस तरीके से। और आप लोगों का सपोर्ट रहा तो मैं फ्यूचर में, जैसे कि मैं बताया हूँ कि मैं रोड का, किसी भी बड़े प्रोजेक्ट का और स्टेशन का मैं अपडेट देता हूँ, तो आप लोग कमेंट करें, मैं बहुत जल्द और भी वीडियो लाने वाला हूँ। और कुछ आप लोग बताइए, हमें कहीं कमी हो तो मैं उसका भी सुधार करने वाला हूँ। देखिए यहाँ पर भी जैसे कि एकदम एक सीध से पुल बना हुआ, जो कि आप दूर से देख रहे हैं एकदम, इसी तरीके से पुल पुलिया देख रहे हैं कि बना हुआ, टर्निंग लेफ्ट या राइट करें, और मार्किंग भी पूरा कंप्लीट है। अब आप पटना से आराम से बीटा से आप बक्सर या बक्सर से बीटा आराम से आप 2 घंटे में पहुँच जाएगा, इसमें कोई कट नहीं, क्योंकि बीटा से आपका लेकर के और दानापुर साइड बहुत जाम रहता है। इसलिए देखिए ये जो कालीकरण आप देख रहे हैं, बस जहाँ पुल पुलिया के बीच में वर्क है सिर्फ वहीं पर पिचिंग का काम है, बाकी टोटल रोड ढलैया है आपको बीटा से, बीटा कोलवर जो पुल है वहाँ तक का। और देखिए एकदम कैसे गाड़ियाँ पराठे भरते भरते चल रही है और रोड एकदम कम्प्लीट है। ये जो कटिंग आप देख रहे हैं, बस इसी तरह कटिंग पब्लिक द्वारा या फिर जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है उसके द्वारा कहीं कहीं पे छोड़ा गया, नहीं तो आपको जो सरकारी जो कटिंग है वो मैं आपको दिखाऊंगा अगर कहीं मिलता है तो आगे चल के। तो बस उसी तरीके से एकदम रोड चकाचक है, ये रोड खेतों के बीच से गुजरता है, कहीं पर शहर में गुजरा तो उसको बाईपास बना दिया गया। और रोड की हाइट भी ज़मीन से अच्छी है और रोड भी बहुत बेहतरीन है, जिस तरीके से देख रहे हैं। देखिए बस जैसे दूर से ही आपको दिख रहा जाते हुए कि बहुत दूर, बहुत स्पीड इस पर गाड़ियाँ आप चला सकते हैं आराम से, और इस पर पेट्रोल पंप हर चीज़ की सुविधा है, इस पर प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, इसलिए इस पर कोई घबराने की बात नहीं है। लेकिन बेहतर यही हो कि अगर आप निकले तो आप गाड़ी
मैं पेट्रोल वगैरह सब कुछ रेडी करके निकले। और अगर आप एक्सप्रेसवे पे आप यूपी या दिल्ली जाना चाहते तो ये रोड बहुत बेहतर है और बहुत अच्छे से बना हुआ है। कहीं कहीं थोड़ा बहुत आपको 5 मिनट के लिए प्रॉब्लम होने वाला है, उससे ज़्यादा कोई प्रॉब्लम है नहीं। और जहाँ प्रॉब्लम होने वाला है वहाँ भी रोड बना करके साइड से, लेफ्ट से राइट से अच्छे से बना दिया गया ताकि लोग आराम से जा सके। तो देखिए कैसे गाड़ियाँ फटाटे पड़ रही है। और मेरे वीडियो के प्लेलिस्ट में आप मेरे चैनल पर जाइएगा तो प्लेलिस्ट में रजौली, बख्तियारपुर, पटना, बक्सर जो कि दिखा रहा हूँ, या फिर रेलवे स्टेशन, दनियावां, बिहार से, ये सब बहुत वीडियो, आप जाइए मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, देखिए और हमें सपोर्ट कीजिए और कमेंट भी कीजिए कि अगर वीडियो में कुछ कमी हो तो ज़रूर हमें बताएं। देखिए एक से जैसे रोड बना हुआ है एकदम, और कहीं कहीं पर आपको बैठने के लिए भी जगह अवेलेबल है। जैसे कि यहाँ भी पुल पुलिया का काम थोड़ा बहुत था, जो इससे पहले जो मैं अपडेट दिया था तो कंप्लीट हो गया। उस तरीके से और भी बहुत जगह है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि एक सीध में रोड एकदम कंप्लीट है, एकदम आराम से एकदम गाड़ियाँ चल रही हैं। और लोगों ने हमें सपोर्ट भी किया इस वीडियो बनाने के लिए, एक भाई साहब ने भी बाइक का सपोर्ट किया, क्योंकि ज़्यादातर मैं रोड को पैदल ही कवर किया हूँ, लेकिन एक भाई ने हमें सपोर्ट किया और मैं ब्रह्मपुर तक आया। आपको यहाँ से फिर एक अलग हर जगह का वीडियो है। तो वीडियो कैसे लगा, वीडियो देखने के लिए थैंक यू, ज़रूर कमेंट करें।